शौक होया कि रमजान आ रहा, मैं रब न ऐदका राजी करना, और खास करके यह जड़ा ऐदका रमजान आ रहा, जड़ा ऐदका रमजान आ रहा, मैं समझना पिछले रमजान जिन्ने साड़ी जिंदगी दे गुजरे ने मौका तो उन्हें च भी अल्लाह ने अता फरमाया, ते ऐदका रब ने बहुता मौका अता फरमा दिता है। गौरमेंट ने, सदरे पाकिस्तान ने, वजीरे आजम ने, उलमाए किराम की मुशावरत ने जड़े फैसले किए ने, वैसे एक हैरानगी की गल है, नमाज तरावी वह नफली इबादत है, वह घर के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके ना पढ़ी जा सकती है, उहदे वास्ते नमाज मस्जिद के अंदर नमाज तरावी एहतियाती तदाबीर जड़िया ने उन्होंने मलहूज खातर रख के नमाज तरावी मस्जिद के अंदर पढ़ी जाए, तो इतकाफ जड़ा है तो वह भी फर्ज नहीं, लेकिन इतकाफ जड़ा वह मस्जिद के अंदर देखिया जनाब वो घर के अंदर करो, हालां तरावी भी नफल है तो इतकाफ भी, ये दोवें नफली इबादतां ने, इतकाफ फर्ज नहीं सुन्नत है, अल्लाह तो फीक अता फरमाए, तो जरूरी नहीं कि इतकाफ जरूर बैठिया जाए, हाकमे वक्त ने अगर जिम्मेदारी लगा दी है मजहबी जमातों की, मौका दे दिता मुसलमानों मस्जिद के अंदर आने का, कोई जरूरी नहीं कि इतकाफ जरूर बैठिया जाए, इतकाफ बैठने का मौका नहीं, हालात नहीं, ना बैठो, घर के अंदर इतकाफ नहीं हुंदा, ते नमाज तरावी का मौका मस्जिद के अंदर नहीं, ते घर जमात करवा लो, घर जमात करवा लो, हुण ते कारोबारी लोग ने ते वह भी शामों पहला खैर ना वेले हो जाते ने, मौलवी खैर ना उंज ही वेले ने, ते इन्हां हालात के अंदर हुण मौका मिल गया, रातां जाके अपने रब नूं मना लो, रातां जाके जरूरी नहीं कि तरावियां वास्ते मस्जिद दे अंदर ही आना ना। और एक अरबी शेख ने बड़ी गल की थी है, उन्हें आखिया असी हालात की नजाकत, हालात की मजबूरी तो लखां मस्जिदां बंद कर दीतियां ने, ताकि इंसानियत का कातल ये वायरस जेड़ा फैलिया पूरी दुनिया से फैलिया, इहदे तो बचाओ वास्ते असां ने लखां मस्जिदां बंद कर दित्तियां ने, लेकिन इहदे च परेशानी वाली गल किहड़ी है, असां लखां मस्जिदां बंद करके करोड़ां घरां नूं मस्जिदां बना दित्ता, लखां मस्जिदां बंद करके करोड़ां घर मस्जिद बनाते ने, हर घर दे अंदर जमात कराण दा वल सिखो, जमात कराण दा वल सिखो, जिन्होंने को माड़िया मोटिया सूरत आदियां ने, चलो ये भी दिन दे, चलो दाढ़ी रख लो थोड़ी बहुत ही, अगर ये समझो दाढ़ी तो बगैर नमाज नहीं होंगी, तो दाढ़ी रख लो घर के अंदर, पुत्रां नूं पोतरियां नूं बच्चियां नूं बीवी नूं बेटियां नूं जमात कराओ, नमाज तरावी घर के अंदर पढ़ो, अल्लाह घर बरकत पैदा फरमा देवेगा, कुरान पढ़ो, कुरान अल्लाह बहारा नसीब फरमा देवेगा, ते ऐ जो कुछ हो रहा ना ये फायदा साड़ा ही है, फायदा मैं समझना दीनी हवाले नाल इंज फायदा कि घर के अंदर कुरान पढ़ांगे बरकत होएगी, नमाज पढ़ांगे तरावियां पढ़ांगे बरकत होएगी, ते दुनियावी लिहाज नाल फायदा ता है, अल्लाह इस बीमारी ते इस मुसीबत तो निजात अता फरमा देंगे। खैर मैं दस रहा वा कि बंदे दे दिल च शौक होए, तमा होए, रमजान आ रहा ते मैं अपने रब नू मना लवांगा, अपने खालिक ते मालिक नू राजी कर लवांगा, और रमजान आ रहा ना कल तो इंशाल्लाह शुरू हो जाना, इंशाल्लाह ते कह दे कल तो रमजान मुबारक दियां बहारां शुरू हो जानियां ने, और ऐसा अजीम महीना ये रमजान मुबारक असी खुश नसीबा, तू आया ते तेरे आया, तू आया ते तेरे आया,
खुश होए मोमन सारे, तू आया ते तेरे आया, खुश होए मोमन सारे। सत बिस्मिल्ला जी आयान, सत बिस्मिल्ला जी आयान, सानू ये दे आउना तकलीफ नहीं, मर जावांगे, इन्ने घंटियां दा रोजा किवें पूरा करांगे। ओए मरना आई नाली जदों आउनी है, जेड़े चार साल लिखे ने पूरे करने ही ने, रोजा रखना नहीं बंदा मरदा। तू आया ते तेरे आया, खुश होए मोमिन सारे। सत बिस्मिल्ला जी आयानो, ऐ रमजान प्यारे, तू आया ते तेरे आया, आई रुत मस्तानी, बख्शिश साड़ी दा पैगाम लियांदे, ए तेरी मेहरबानी। तू आया ते तेरे आया, होए रोजियां विच इजाफे, तू आया ते तेरे आया, मुबारक प्यारे आ, तू आया ते तेरे आया, होए रोजियां विच इजाफे, कर लो राजी रब अपने नू। ओए मोमिनो खुश नसीबो, कर लो राजी रब अपने नू, ते लुट लो खूब मुनाफे। तू आया ते तेरे आया, शैतान बनिया जावे, तेरा कदर पहचानन वाला, तेरा कदर पहचानन वाला, ओ कुल मुरादा पावे। प्रोग्राम बना ले, रमजान आ रहे है, रोजा रखना, रोजा इंशाल्लाह कह दियो, तुहाडे को गड़बड़ लगती है भाई, इंशाल्लाह कह दियो, नेकी दा फायदा ते गुनाह दा नुकसान ही नुकसान। मैनू याद आया कब्रस्ता इलाका जदों फतह होया, सहाबा ने फतह किया, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अनहो, हर पासे इस्लाम दे झंडे लग गए ने, अल्लाह ने इस्लाम नो इज्जत अजमत नाल माला माल फरमा दिता। हजरत अबू दरदा नू एक सहाबी ने वेख्या, एक पासे कल्ले बह के ते जारो कितार रोई जांदे ने, जारो कितार रोंदे ने पै, उन्हें आख्या हजरत ये ते खुशी दा मौका है, अल्लाह ने मुसलमानां नू इज्जतां अजमतां नाल माला माल फरमा दिता। ते सोनियो सहाबी रसूल जी इत्थे रोण वाली केड़ी गल है, फरमांदे ने सोनियो रोंदा ताम, अल्लाह ने इन्हां नू इज्जत दिती, अजमत दिती, माल दिता, इन्हां नू हुकूमत दिती, इक्तदार दिता, ते अल्लाह दियां ना फरमानियां दी वजह तो, गुनाहां दी वजह तो, अल्लाह नाल शिरक दी वजह तो, अज अल्लाह ने इन्हां नू जलील कर दिता, इन्हां कोलो हुकूमत खो लई है, कल जेड़े आका सन अज गुलाम बन गए ने, कल तक जेड़े हाकिम सन आज महकूम बन गए ने। मैं रोंदा तावां, अगर मुसलमाना ने भी अल्लाह दियां नाफरमानियां कीतियां, मुसलमाना भी जे गुनाह कीते, ते एहो ही हाल मुसलमाना दा भी होएगा। इस वास्ते दोस्तों गुनाह
ऐसी लानत है कि जिदे नाल अर्श वाला खुदा नाराज, मुस्तफा अली सलाम दी जात नाराज, और खुद बंदे दी अपनी दुनिया भी तबाह, अपनी आखरत भी बर्बाद हो जाती है। इस वास्ते रमजान उल मुबारक का महीना आ रहा, कल तो इंशाअल्लाह शुरू हो रहा। इस महीने दे अंदर नेकियां दे ढेर लगा लो, नेकियां दे अंबार लगा लो, और गुनाह तो हर मुमकिन बचन की कोशिश करिए। अल्लाह सानू बड़े और छोटे गुनाहों तो बच के अपनियां फर्मा बरदारियां करके जिंदगी गुजारन की तौफीक नसीब फरमा। तौहीद चैनल यूट्यूब तो डाउनलोड कर सकते हो, जेडे दोस्त करना चाहन। तौहीद चैनल